प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का फल बताने वाला हूं। किसी भी लग्न की कुंडली में जब अष्टम भाव में चंद्रमा बैठ जाएंगे तो वो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, यही मैं आपको बताने वाला हूं। इस चंद्रमा के शुभ प्रभाव के साथ में अशुभ प्रभाव भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही अंत में इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए वह भी बताऊंगा। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहे जिससे आपको चंद्रमा का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो पाए। सर्वप्रथम देखा जाए तो अष्टम भाव जो होता है विभिन्न प्रकार की परेशानियों को बताता है, चिंता को बताता है, संघर्ष को बताता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। एक बात आप पहले ही समझ लीजिए कि चंद्रमा का आपको फल जानना है तो आप पहले ये जरूर देख लीजिए कि चंद्रमा आपके कितने बलवान है और कितने कमजोर है, क्योंकि एक चंद्रमा पूर्णिमा का हो सकता है तो दूसरा चंद्रमा अमावस्या का हो सकता है। तो दोनों में ही चंद्रमा के जो प्रभाव है, जो स्थिति है, उसमें पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं जो मैं बातें बताऊंगा उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। इसीलिए आपको सबसे पहले यह देख लेना है कि जन्म आपका किस स्थिति में हुआ है, चंद्रमा शुभ ग्रह बना हुआ है या पापक ग्रह बना हुआ है। सूर्य के जितना पास में होगा उतना कमजोर, सूर्य से जितना दूर होगा उतना शुभ ये चंद्रमा कहलाएगा। लेकिन फिर भी अन्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी ये चंद्रमा फिर भी आपको कैसा प्रभाव दे सकता है, आज मैं इसकी कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ में ये बालारिष्ट बनाता है चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ करके, तो उससे जुड़ी भी कुछ जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अष्टम भाव गुप्त भाव है, गुप्त विद्याओं का भी भाव है और आकस्मिक घटनाओं का भी ये भाव बन जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे में चंद्रमा जब अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का मन गुप्त विद्याओं की ओर, रहस्यमय विषयों की ओर, वो फिर ज्योतिष हो या फिर कोई भी ऐसा गुप्त विषय हो जो जिसको खोज करके निकालना हो, जिस पर अधिक रिसर्च करना हो, वो वैज्ञानिक शोध भी हो सकता है और ज्योतिष से जुड़ा कोई विषय भी हो सकता है। तो ऐसे सभी विषय के लिए ये चंद्रमा बहुत शुभ होता है, क्योंकि व्यक्ति की रुचि ऐसे विषयों में अधिक होती है। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति को विषय धार्मिक बना देता है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के मन में संन्यासवत प्रवृत्ति आ जाती है अपने स्वभाव से ही। ये बात देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति बचपन से ही बोल सकते हैं कि थोड़ा एकांत प्रिय रहता है, चुपचाप रहने का कार्य करता है और ज़्यादा किसी से घुलना मिलना ऐसे व्यक्ति को पसंद होता नहीं है। हाँ, जो कुछ सामान्य कुछ बातें आदि कर ली, लेकिन अपना जो कार्य है उसमें अधिक मग्न रहना या अपने आप में अधिक मग्न रहना, अधिक बातें मानसिक रूप से सोचते रहना, ये ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में अधिक होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो जैसे बचपन से ही मैंने कहा कि अकेला रहेगा, एकांत प्रिय रहेगा, बचपन से ही ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और चिंता मानसिक रूप से अधिक रहती है। और ये बात भी देखने को मिली कि पहले तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा उत्पन्न करवाता है, कई बार शिक्षा अधूरी रह जाए, और कई बार ये देखने को मिला शिक्षा हो भी जाए तो भी ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करता है उससे जुड़ा काम नहीं कर पाता है। यानी अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करेगा, एजुकेशन ग्रहण करेगा, उस एजुकेशन को अपने करियर में उपयोग में नहीं ला पाता है। एजुकेशन किसी और फील्ड में थी, करियर किसी और फील्ड में है, अधिकतर स्थिति में चंद्रमा ये कर देता है। तो यानी कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए चंद्रमा का प्रभाव कमजोर रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान विद्वान होता है, परिस्थिति को देखभाल करके कार्य करना जानता है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव है तो ये चंद्रमा मन को बताता है और अष्टम भाव कहीं ना कहीं मन को व्याकुल कर देता है, क्योंकि ये परेशानियों का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वभाव में भी क्या होता है कि व्यर्थ की चिंता अधिक करना। आपके अगर अष्टम भाव में चंद्रमा है तो आप हर एक बात को बड़ा चढ़ा करके सोचेंगे, छोटी से छोटी बात को और बड़ा बड़ा करके सोचेंगे, जिससे चिंता आपकी बढ़ जाएंगी। स्वयं की चिंता तो आप करेंगे ही, आसपास को भी कुछ अगर छोटी सी कोई परेशानी भी हो गई तो उसकी चिंता भी करने लग जाएंगे कि इसका कैसा होगा। घर में आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति भावुक स्वभाव का होगा, एकांत प्रिय, चुपचाप रहने वाला होगा, लेकिन घर के हर एक व्यक्ति की उसको चिंता होगी और जहां पर रहेगा वहां पर भी जो भी उसके साथ रहे उनकी भी चिंता ऐसे व्यक्ति को बहुत रहती है। सबके लिए सोचना, सबके लिए कोई अच्छा करना, सभी को कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव मिले उसके लिए कोशिश करना, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव स्वयं के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चिंता करते रहता है तो मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा ऐसे व्यक्ति को अधिक रहती है, तनाव चिंता बनी ही रहती है।
जो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर कर देता है। ऐसा व्यक्ति जैसे भावुक होगा तभी दूसरों की बात सोच पाएगा, तो भावुक स्वभाव का अवश्य होता है, लेकिन प्रायः देखने को मिला कि अन्य लोग ऐसे व्यक्ति की कदर नहीं करते। ऐसे व्यक्ति की माता का अगर जीवन कहे तो वो भी उतार चढ़ाव से भरा रहता है, उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी रही हो, उनके किसी भी कारण से उनके स्वास्थ्य में परेशानी रही हो, या किसी भी कारण से माता की स्थिति भी अस्त व्यस्त रही हो, ये बात अधिक देखने को मिलती है। और यही प्रभाव कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा लागू हो जाता है। जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं चिंता करेगा, नेगेटिव बातें अधिक सोचेगा। साथ में जैसे अब मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 10 बातें बताई, 2-3 बातें नेगेटिव भी थी, तो आप वो 10-8 बातें भूल जाएंगे, नेगेटिव बातें ध्यान में रखेंगे और वो नेगेटिव बातें सोच सोच करके चिंता करते रहेंगे। तो इससे आपको बचाव करना है। जितना अधिक आप स्वयं से पॉजिटिव रहेंगे उतना अधिक आपका ये चंद्रमा पॉजिटिव रहेगा और उतना अधिक आप अच्छी तरह कार्य कर पाएंगे, क्योंकि ये चंद्रमा आपको मानसिक चिंताएं अधिक प्रदान करता देखा जा सकता है, जो सामान्य सी बात है। और वो चिंताएं अगर आप अब देखिए, मन में चिंता यानी मन में विचार कहीं ना कहीं चलते रहेंगे, अब आपके ऊपर है कि आप उसको सही डायरेक्शन में लेकर के अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा प्लान कर लेते हैं, या व्यर्थ की चिंता करके अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं, ये आपके ऊपर है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप सकारात्मक रहे, सोच विचार करके, सोच विचार आप अधिक करेंगे ही, तो सोच विचार करके अपने कार्य को किस प्रकार सही कर सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और ज्यादा भावुकता भी आपके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि अन्य लोग आपकी कदर इतनी नहीं करते हैं जितना आप उनके लिए करने का प्रयास करते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें और सही तरीके से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। इसके बाद आप देखिए कि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य आदि का तो होता ही है, गुप्त धन का भाव भी यही होता है। तो प्रायः ऐसे व्यक्ति को अगर चंद्रमा यहाँ पर शुभ अवस्था में है, मंगल आदि के प्रभाव में आते हैं, विशेषकर मंगल के प्रभाव में, तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता है। अब मंगल के साथ हो या मंगल की दृष्टि पड़ती हो सामने से ही, तो ये क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कई बार ससुराल वर्ग से धन मिल जाए, या फिर कई बार कहीं से आकस्मिक रूप से धन लाभ बड़ा हो जाए, ये स्थिति ये चंद्रमा अधिक बना देते हैं। लोटरी सट्टा आदि से भी कई बार धन लाभ हो जाता है, या कई बार कोई भी स्थिति क्यों ना हो आकस्मिक धन लाभ ये चंद्रमा अवश्य करवाते देखे गए हैं। थोड़े भी शुभ होंगे तो अपने समय अवधि के अनुसार ये चंद्रमा लाभ करवा देते हैं। इसके बाद में ये चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को धार्मिकता की ओर अधिक जोड़ देता है। अष्टम भाव ये मोक्ष त्रिकोण में आता है और चंद्रमा भी यहाँ अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति को विशेष धार्मिक बनाता है, धर्म कर्म के कार्यों में लगाता है। और ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर चिंता आदि रहेंगी तो उसको सही करने के लिए वो धर्म कर्म का सहारा लेगा, दूसरे की पीड़ा है उसके लिए भी उपाय करने लग जाएगा, स्वयं की पीड़ाओं के लिए भी उपाय करने लग जाएगा, कहीं ना कहीं पूजा पाठ या धर्म कर्म में, आध्यात्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाएगी। कई लोग अधिक स्थिति शनि आदि के आ जाने से भी फिर ऐसे व्यक्ति फिर संन्यास आदि की ओर, या जीवन ही ऐसा जीते हैं कि संन्यासवत ही लगता है, चुपचाप रहना, कोई इतना विशेष इतना खुश नहीं होना किसी चीज में, सामान्य स्थिति बनाए रखना, अन्य के सामने मुख्य रूप से अपनी बातें पूरी ना बोल पाना, हर चीज को सहन करते जाना, ये सब चीजें चंद्रमा अष्टम में होने पर बढ़ते चले जाती है। अब अगर मजबूत होंगे तो ये चीजें कम हो जाएंगी, यानी ऐसा व्यक्ति फिर अच्छी तरह अपनी बात भी रख पाएगा, अच्छी तरह कार्य भी कर पाएगा, लेकिन अगर कमजोर होते चले जाएंगे तो प्रभाव में और अधिक कमजोरी आते जाएंगी, फिर मानसिक चिंता कहीं ना कहीं और टेंशन आदि बढ़ाती नजर आएंगी। जिसके भी अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं प्रायः ये चंद्रमा विदेश से लिंक करवा देते हैं। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चला जाए बहुत अच्छा रहता है, विशेषकर किसी महिला की कुंडली में हो तो विवाह के बाद उसका भाग्योदय हो जाता है, क्योंकि उसका जन्म स्थान बदल जाता है, या अगर उसी स्थान पर हो जाए तो परेशानी की बात है, नहीं तो अधिकतर चंद्रमा अष्टम में हो तो देखने को मिलता है विवाह दूर होता है, मतलब जन्म स्थान पर नहीं होता, कम से कम उसी शहर में तो नहीं होता, बाहर ही होता है। तो ऐसे में चंद्रमा का प्रभाव शुभ हो जाता है लड़की के लिए। लड़कों के लिए मैं कहूंगा कम से कम कि पुरुष वर्ग को चंद्रमा का प्रभाव अच्छा चाहिए तो जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए। अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा जन्म स्थान से दूर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, विदेश में बस जाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, वहां पर अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, उससे व्यक्ति की मानसिक चिंता परेशानी कम भी होती है और व्यक्ति सफलता भी प्राप्त कर पाता है। अष्टम भाव रहस्यों का भी है और कहीं ना कहीं ये गुप्त इंद्रियों का भी है, जो ये बोल सकते हैं कि छठी इंद्री वो छठे अष्टम भाव से ही देखे जाती है। तो
तो जब चंद्रमा यहाँ बैठते हैं तो इसे व्यक्ति की छठी इंद्री कई बार अधिक जागृत होती है, और कहीं राहु का प्रभाव इस चंद्रमा पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति ये पहले ही जान जाएगा जो भविष्य में होने वाला है, वो फिर स्वप्न के रूप में हो, किसी आभास के रूप में हो, या मन में ही कोई ऐसी बात आ जाए जिससे ऐसे व्यक्ति को आगे होने वाली घटना पहले ही पता लग जाती है। तो ये बात भी अष्टम भाव का चंद्रमा देता है। साथ में मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि व्यर्थ का भय ऐसे व्यक्ति को अवश्य लगा रहता है, वो किसी से शत्रुता का भय हो, किसी हानि का भय हो, कोई रोग का भय हो, या फिर किसी भी पीड़ा से जुड़ा कोई भय हो, ऐसे व्यक्ति को बना रहता है। कोई चीज़ छोटी सी कोई व्यक्ति ने करी है तो मन में उसी की चिंता चलती रहेंगी कि इसका दुष्प्रभाव न देखने को मिले, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी के बारे में चिंता करते रहेंगे कि अब ये कोई बड़ा निर्णय न ले ले। तो ये स्थिति अष्टम भाव का चंद्रमा अधिक प्रदान करता है। अष्टम भाव के चंद्रमा में वैवाहिक जीवन में परेशानी या फिर सामान्य मतभेद या फिर एक उदासीनता अधिक देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं विवाह के लिए चंद्रमा कमजोर होता है, लेकिन ससुराल वालों से धन आगमन के लिए, ससुराल वालों से संबंधों के लिए चंद्रमा अच्छा रहता है। हालांकि उनसे भी संबंध में उतार चढ़ाव रहती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसको थोड़ा ठीक कहा जा सकता है। इसके बाद चंद्रमा की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है। तो चंद्रमा का स्वभाव क्या है? घटना और बढ़ना। तो ये धन संचय को भी घटाता बढ़ाता रहता है, धन आगमन की स्थिति को भी थोड़ा प्रभावित अवश्य करता है, और धन को बचाने के लिए, धन को सेव करने के लिए ऐसे व्यक्ति के मन में मानसिक चिंता अधिक प्रदान करता है। हालांकि जिसके अष्टम भाव में चंद्रमा होता है ये धन बचाने का प्रयास करता है, और देखने को भी मिला है कि समय अनुसार अच्छी मात्रा में धन बचा भी लेता है। तो इसीलिए चंद्रमा यहाँ पर शुभ भी है, अशुभ भी है। तो अशुभ प्रभाव तब कम हो जाएंगे जब इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेंगी, शुभ ग्रह इसके साथ में होंगे या ये स्वयं शुभ अवस्था में बैठा हुआ होगा। तो आपको भी अपनी कुंडली में इन बातों को अवश्य देख लेना चाहिए। बाकी चंद्रमा यहाँ पर किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो जैसा मैंने कहा कि अन्य से संबंध बिगाड़ेंगे, माता के स्वास्थ्य को, माता के जीवन को कहीं ना कहीं बिगाड़ेंगे, आपको भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानी देंगे। महिलाओं के जीवन में देखने को मिला कि जो मासिक धर्म की पीड़ाएं होती है वो नियमित नहीं रहती, या फिर उसमें भी उतार चढ़ाव का जो प्रभाव है अधिक देखने को मिलता है, यानी समय से ना आए, कई बार जल्दी आ जाए, इस तरह की बातें कई बार महिलाओं के लिए अधिक देखने को मिल जाती है। स्वास्थ्य वैसे पुरुष हो या महिला, ये चंद्रमा कमजोर कर देता है, विशेषकर रक्तजन्य विकार हो, शीतजन्य रोग हो, यानी सर्दी जुकाम, सरदर्द, खांसी, नींद न आना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब बातें कई बार इस चंद्रमा से अधिक आती है। पेट से जुड़े रोग भी ये चंद्रमा प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय रहना या फिर व्यर्थ का डर रहना, ये भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव पीड़ा देने का काम करता है। और जैसा मैंने कहा था कि बालारिष्ट योग, तो ये चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ करके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बालारिष्ट योग ही बना, यानी बालारिष्ट यानी बचपन में मृत्यु हो जाना, ये अष्टम भाव का चंद्रमा बनाता है, लेकिन हर बार नहीं बनाता, क्योंकि उसमें लग्नेश की स्थिति, शनि की स्थिति, या फिर अष्टम भाव में अब चंद्रमा पीड़ित हो जाए विशेष रूप से, साथ में लगना लग्नेश आदि सब पीड़ित हो, तो जा करके सोच सकते हैं कि बालारिष्ट योग घटित होगा या नहीं, क्योंकि दशा आदि भी उसमें सहयोगी रहेंगी। तो यानी 8 वर्ष की आयु के पहले पहले मृत्यु होना, ये बालारिष्ट योग है। अब ऐसी स्थिति हर बार नहीं बनती, लेकिन सचेत सावधान बचपन में किसी बच्चे का जन्म हो तो अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य को खराब करता है, और वैसे जीवन काल में थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है, और कई बार ऐसे व्यक्ति को अन्य न समझ पाए तो सबसे बड़ी परेशानी तो मानसिक रोग के रूप में ही रहती है। इसीलिए ये चंद्रमा को शुभ करने के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वयं सकारात्मक रहना चाहिए, सूर्य को मजबूत करना चाहिए, चिंता से बचाव करना चाहिए, और साथ में शिव जी की पूजा अधिक से अधिक करें, शिव जी पर जल चढ़ाते रहे। अच्छा प्रभाव चाहिए तो गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना बहुत अच्छा रहता है। गन्ने का रस न मिले तो कम से कम गुड़ के रस से तो अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिससे इस चंद्रमा का प्रभाव अच्छा मिल सके। सोमवार के सोमवार या समय समय पर शिव जी का अभिषेक करना, शिव जी के मंदिर में जाना, सफ़ेद वस्तु का दान करना, साथ में अगर चांदी का कुछ पहन लिया जाए तो भी अच्छा रहता है। अगर बच्चा हो, बालारिष्ट योग की चिंता मन में आ रही हो माता पिता के, तो ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे को चांदी का चंद्रमा पहना देना, 8 साल की आयु तक कम से कम पहना करके रखना, ये अच्छा रहता है और आयु के लिए खराब नहीं रहता। और जिनके भी चंद्रमा अष्टम भाव में है उन्हें चांदी का कुछ गले में धारण अवश्य कर लेना चाहिए, इससे चंद्रमा का प्रभाव भी अच्छा होता है और जीवन में शुभ परिणामों में वृद्धि होती है। और फिर एक बात जैसे मैंने आपको कही थी, चंद्रमा का जो मुख्य उपाय बताया था कि आपको अपनी माता से कोई भी वस्तु लेकर के अपने पास रखनी चाहिए, विशेषकर एक सफ़ेद पोटली में 3 मुट्ठी चावल एक ले करके उस पोटली को अपने पास रखना, या विशेषकर अपने धन जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रखना, ये अच्छा रहता है।
माता से ही कोई चांदी की वस्तु लेकर के अपने गले में धारण करे तो और अच्छा रहता है। माता समान किसी स्त्री से भी लेकर के पहन ले तो भी अच्छा रहता है, अच्छा प्रभाव देने का काम करता है। तो ये कुछ उपाय करें, इससे निश्चित ही आपको अच्छा प्रभाव भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए सभी स्थिति अच्छी भी बन जाएंगी। बाकी आपकी कुंडली में चंद्रमा किस अवस्था में है, किस राशि में है, किन ग्रहों से दृष्ट है, उस पर विचार करके परिणाम को विचार करें तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति और सटीक परिणाम आपको पता लग जाएगा। बाकी कोई भी प्रश्न रहता हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।